दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी का पेपर सेकंड अपलोड कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। और हम इसमें देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन फर्स्ट इज कंपल्सरी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कंपल्सरी है। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं बॉटनिकल वंडर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबको करना होता है, उसके बाद 4 यूनिट होंगी और प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। ठीक है, ये बात आप समझ के चलें। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। नोट भी दिखा दिया हुआ है, वो देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है फॉलोइंग में। डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आते हैं कितने एग्जाम में, 10 आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं एग्जाम में, बट मैंने यहाँ पर 17 क्वेश्चन लिए। इनमें से आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। नंबर 1 क्लोनिंग, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी का है। प्लाज्मिड, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि जो कि जीन क्लोनिंग होती है वो किस प्रकार से। प्लाज्मिड एक वेक्टर है। सैम्पलिंग, फर्मेंटेशन, एंटीजन, एंटीबॉडी, एलिसा टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट है एक। इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता और उसके प्रकार होते हैं, जो दो वो कॉमन वैक्सीन्स। ठीक है, जो टीके होते हैं वो। ट्रांसजेनिक एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रोटोन, इंटरफेरॉन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्जर एंड स्मॉलर डीएनए सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। मीन वेरिएंस और मीडियन, ये बायोस्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं जैव सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? जैव सांख्यिकी। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यू नो व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी बायोटेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग मतलब होता किसी चीज की बनावट, यानी बनाना। जेनेटिक मतलब होता है डीएनए से संबंधित, यानी डीएनए में कुछ तोड़फोड़ करना और उसको रीऑर्गेनाइज करना, पुनः बनाना। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तकनीक, और बायो मींस जैव तकनीक। यानी जैव तकनीक का मतलब इसका संबंध डीएनए से है, सीधी सीधी बात है। ठीक, डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी, हम ये यूं कहें कि बायोलॉजी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डिजायर्ड इच्छा अनुसार एक नया कैरेक्टर्स वाला डीएनए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन बताने, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ ये प्रयोग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ वेरियस ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ट्रांसजेनिक एनिमल, ETC। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए, रोल, भूमिका क्या है बायोटेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन से फील्ड में, विभिन्न फील्ड, वेरियस भिन्न, ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मनुष्य के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो क्षेत्र है उनमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण है। ये हेल्थ के क्षेत्र हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा यानी मेडिकल, ट्रांसजेनिक एनिमल यानी कि इम्प्रूव्ड एनिमल, जैसे कि गाय हो सकती, भेड़ हो सकती हैं, जो जानवर दूध देते हैं तो उनमें दूध वाले कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, जो मीट वाले हैं तो उनको मीट वाले कैरेक्टर्स विकसित किए जाते हैं। इसका एक और करके क्वेश्चन हमने लिया है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर स्पेशल इम्पैक्ट के साथ पूछा जा सकता है फूड प्रोसेसिंग, हालांकि ये बात यहाँ पर भी है, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ज्यादा
हल्के में ना लें, मतलब बहुत नहीं है सम, इसको क्वेश्चन के रूप में काउंट काउंट मत करें, मगर इसी सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन मिल सकता है इसलिए लिखा है, क्योंकि ये स्पेशल बनाया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक, जियोलॉजी का। और बॉटनी के भी आए हुए हैं क्वेश्चन, इसके अलावा फाइनल ईयर के बॉटनी के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम अब आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, यानी मैंने पहले ही बताया था हर यूनिट से एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन होते हैं जनरली, लेकिन मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और कतई बिल्कुल क्वेश्चन देंगे नहीं तो फिर फंसेगा नहीं, लेकिन मैं थोड़े से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है, गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या है, ठीक, प्रतिरोधकता क्या है, गिव एन अकाउंट, एक टिप्पणी देनी है वेरियस टाइप, विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटी पर विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, जो उपयुक्त उदाहरण है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो 5 प्रकार की, आई थिंक वो, उसके बारे में डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन ये सब। राइट्स आर नॉट ऑन फॉलोइंग, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, वैक्सीन्स, वैक्सीनेशन, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, ठीक, टीस। तो ये सब है। चलते हैं हम अगली यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 4, सॉरी, चलो, तो यूनिट नंबर 3 में आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पीएच मीटर। यू नो व्हाट पीएच मीटर, पीएच मीटर इज टाइप ऑफ पेपर विच डिटरमाइन द पीएच, ओके, हिंदी में समझो, यानी पीएच एक प्रकार का पेपर होता है जो डिसाइड करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। स्टेट इट्स यूज, और इसके यूज के बारे में बताइए, कैसे यूज किया जाता है बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब एक बात यहाँ पर समझने है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 लिए हैं, बट आपके एग्जाम में आते हैं 3, ठीक है, लेकिन आप ये इतना पढ़ लो, ये क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा, ठीक। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये आपको समझनी होगी, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम सुने होंगे, टाइम है नहीं, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। कमेंट करके बताएं कि इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट देता हूं, कौन कौन से आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है, मैं उसका अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एज पर योर कॉमेंट्स। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगेशन, अभिकेंद्रण, लाइट माइक्रोस्कोप। चलते हैं यूनिट नंबर लास्ट, यानी यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 पे लास्ट यूनिट, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड एंड देयर स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम गिवन डाटा इन टेबल, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, एक टेबल में डाटा दिया होगा, ठीक है, टेबल बनी होगी इस तरीके से, और ये मान लो कि यहाँ पर कोई दे दिया इस वाली तरीके की टेबल होगी, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड एरर का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और बताएं मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही कमेंट करके, तो मैं देखता हूँ उसको। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट लिखा। यहाँ पर भी वही केस, 3 आएंगे और मैंने 5 दिए, लेकिन आप इतना तैयार कर लेना। फर्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वेरियंस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी पिक्टोग्राम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पिक्टोग्राम, यानी डाटा को पिक्चर्स के थ्रू जब शो किया जाता है तो उसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हाँ सॉरी, केबल पिक्चर्स के थ्रू नहीं, कई तरीके होते हैं, जैसे पाई चार्ट बनाते हैं, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है, केबल पिक्चर के थ्रू ही नहीं, ठीक है, सॉरी, इसके लिए
कई चीजें होती हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड एरर, साइंस सिटेशन इंडेक्स। तो ये सारा रहा आपका पेपर, और इसी के साथ और यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो मिलते रहेंगे आपको जियोलॉजी बॉटनी के। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।